रोमियो तू अभी तक तैयार नहीं हुआ यार, यार हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। स्कूल? अबे स्कूल जाके क्या मिलता है यार। स्कूल नहीं जाओगे तो डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी, और अगर जॉब नहीं होगी तो कोई बाप तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। ओ भाई पहले तू थ्री इडियट्स देखना बंद कर दे प्लीज। नहीं सच में यार, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं होगी, जॉब नहीं होगी तो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं होगी यार। और तुझे तो पता है हम लड़कों की एक ही तो छोटी सी जरूरत है, लड़की। लड़की? हाँ वही लड़की जिससे अगर आप 24 घंटों में से दिन में कम से कम 20 घंटे फोन पर बात नहीं करोगे ना तो वो माइंड करके बैठ जाएगी। अरे मेरी माँ मुझे थोड़ी देर सोने तो दो। नहीं वो भी नहीं, बेबी आज ना हम फोन ऑन करके सोएंगे, मुझे तुम्हारे खर्राटों की आवाजें बड़ी पसंद है। अरे बड़े खतरनाक खर्राटे आते हैं भाई मुझे, मैं कोई आधी रात को उठ के राहत फतेह अली खान नहीं बन जाता। और जहां तक स्कूल का सवाल है, ज्यादातर स्कूल के सब्जेक्ट से खाली एक ही मकसद होता है, बच्चे के दिमाग पे प्रेशर मेंटेन करके रखना। उसको इन सब्जेक्ट्स में इतना बिजी कर दो कि वो किसी भी किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग कर ही ना सके। एक सेमेस्टर में 4 महीने, 4 महीने में 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स के सरप्राइज क्विज, सरप्राइज टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स, प्रेजेंटेशन और फाइनल एग्जाम निकालने के बाद खाना खाने का तो छोड़ो सांस लेने का टाइम भी नहीं रहता। सुबह सुबह उठ के राइज एंड शाइन करके स्कूल जाओ, वहां पे 8 घंटे अपनी पढ़ाई करो, वहां से सीधा ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से वापस जब बंदा एक सारे दिन की जंग लड़के आता है तो उस बेचारे को अपना नाम भी याद नहीं रहता। फिर क्या, फिर सो जाओ, उठो और रिपीट करो। हमारी जनरेशन को गुड स्टूडेंट्स का नहीं, गुड रोबोट्स का टाइटल मिलना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स, अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता और वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। मेरा बेटा तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। अरे भाई उसको 1 सेकंड सांस तो लेने दो। और 3 ही तो फील्ड्स अच्छी लगती है हमारे पेरेंट्स को, इंजीनियर, लॉयर या डॉक्टर। बेटा 4थी ना तू कोई फील्ड निकाल के दिखा दे मुझे, मैं अपना नाम बदल दूंगा। कभी किसी देसी पेरेंट को ये बोलते हुए देखा है कि मेरा बेटा बड़ा होके सिंगर बनेगा, वो गाने गाएगा? नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोच भी लेना तो सोसाइटी उनको जज कर करके उनका बुरा हाल कर दे। और हम देसी अपने लिए थोड़ी, हम तो सोसाइटी के लिए जिंदा हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है लोग क्या कहेंगे। अरे रोमियो ये तुम क्या कर रहे हो, आयशा आंटी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी? अरे आयशा आंटी को मेरा लास्ट नेम भी नहीं पता भाई। और ये जो हर स्कूल क्लेम कर रहा होता है वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट इन व्हाट, टॉर्चरिंग स्टूडेंट्स, ये ना एक्चुअली स्कूलों का ना आपस में कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स टॉर्चर कौन करेगा। तू लिखवा ले मेरे से, जब आपस में प्रिंसिपल्स मिलते होंगे ना तो पता है क्या डिस्कशन होती होगी। अच्छा आपके यहाँ कितने इस बार रोबोट्स हैं? बस 1500। हमारे यहाँ तो इस महीने को मिला के 2500 रोबोट्स हैं। अरे यार स्कूल जाने का मकसद डिग्री लेना नहीं है, स्कूल जाने का मकसद है एजुकेशन लेना। लेकिन नहीं, सब पागलों की तरह डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं। तभी तो कभी रोड पे जाके बाहर देखो, हर जगह लाखों की तादाद में पढ़े लिखे बेवकूफ घूम रहे हैं। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स कम और दिमागी मरीज ज्यादा नजर आएंगे। और इनकी कभी तुम मिशन स्टेटमेंट चेक कर मेरे भाई, टावर ऑफ एक्सीलेंस होनी पता क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स एंड डिसेबलिंग टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग्स सिंस ईयर 1। मेरा बस चले ना अगर तो मैं इस करंट एजुकेशन सिस्टम को यहां से उठा के ही बाहर फेंक दूं। बाहर 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 फेंक दूं ऐसे लोगों को जो सोचते हैं ऐसा। इतने जबरदस्त हमारे स्कूल हैं चिंटू, इतने जबरदस्त टीचर्स, वाह वाह वाह। We are the best. We are the best in what? Did you guys hear that?